हेलो इंडिया, मेरा नाम दिनेश है। मैं हूँ फार्मासिस्ट। आपके लिए नई नई जानकारी लेके आने वाला हूँ फार्मेसी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में। और आज हम जिस टॉपिक बात करने वाले हैं उसका नाम है कोरोना, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं अपनी बात एक छोटी सी स्टोरी शुरू करूंगा। मान लीजिए एक गाय है या बकरी है, वो जंगल में जाती है और एक लीफ के प्लांट के पास जाती है, उसको स्मेल करती है लेकिन उसको ईट नहीं करती, खाती नहीं। क्या बात है साहब, पेट खराब उसका, घर वालों ने मना किया है। बात यह है, वो जो प्लांट की लीफ है वो एक ऐसा केमिकल निकालती है, उसमें से ऐसी स्मेल रहती है कि वो टॉक्सिक कैटेगरी का प्लांट रहती है। वो ऑक्सीजन इंसेक्ट रिपेलेंट, बैक्टीरिया रिपेलेंट, वायरस रिपेलेंट, मतलब बैक्टीरिया को दूर भगाने वाली, वायरस को दूर भगाने वाली, वो स्मेल को देखते ही बैक्टीरिया वायरस सब लोग दूर भाग जाते हैं, उसमें अटैक नहीं करते। तो वायरस रिपेलेंट, बैक्टीरिया रिपेलेंट या इंसेक्ट रिपेलेंट प्लांट है। ऐसे प्लांट जो रहते हैं बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, आप मुझे 150 साल 200 साल। ऐसे एक प्लांट का नाम है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस ऑयल। मैं जो बात करने वाला हूँ वो यूकेलिप्टस ऑयल के बारे में ही है। कोरोना को भगाने के लिए सबसे इफेक्टिव हो सकता है यूकेलिप्टस ऑयल। मुझे नहीं मालूम ये इसका इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं किया गया, इसका करना चाहिए था लोगों को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्तेमाल करना चाहिए था वायरस रिपेलेंट का। तो एक बर्तन लीजिए, उसमें एक ग्लास पानी डालिए, यूकेलिप्टस ऑयल के 5 या 4 5 बूंदे डाल दीजिए। डालने के बाद उस बर्तन को गर्म कीजिए, इसमें से स्टीम निकलेगी, अपनी नोज के थ्रू होते हुए उसको अपने लंग्स में, फेफड़ों के अंदर जाने दीजिए। और ये वायरस बैक्टीरिया रिपेलेंट है, ये वायरस को अटैक नहीं करने देगी, कोरोना वायरस आपके लंग्स में अटैक नहीं कर पाएगा। बहुत इफेक्टिव है, आप करके देखिए। और लोगों ने बहुत सारी थ्योरियां बना रखी है यूट्यूब पर, अच्छी बात है, लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं। मास्क लगा के सिर्फ आप कोरोना से बच जाएंगे ऐसा मत सोचिए, मास्क लगाने से बचना होता तब तक बच गए होते। मास्क, पता नहीं, मास्क इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा। तो नई चीजें इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक बार आपको कोरोना हो गया फिर आपके घर वाले साथ देने वाले ना, सरकार साथ देने वाली, आपको एक बेड पर पटक दिया जाएगा, पता नहीं फिर क्या करेंगे आपके साथ। तो प्लीज मेरी सलाह है, और चाहे तो अगर आपको विटामिन सी लेना है तो आंवला आंवला लेके मत लीजिए, तो करौंदा लीजिए, या फिर आप मार्केट जाइए, एस्कॉर्बिक एसिड की बोतल आती है उसको खरीदिए, एस्कॉर्बिक एसिड 4 किट उसको लीजिए, सीधा विटामिन सी आपको मिलेगा, ये बहुत इफेक्टिव है। और चाहे तो एक्सपेक्टोरेंट ले सकते हैं, एक्सपेक्टोरेंट थाइम की चाय पी सकते हैं, अजवाइन की चाय, मलेठी की चाय पिए, या फिर लिक्विडाइज बोलते हैं मलेठी को, उसी चाय पिए, और घर पे रहें, सेफ रहें। मैं बहुत सारी मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा, किस तरीके इस्तेमाल करना है, कैसे मेडिसिन रहती है, इफेक्टिव मेडिसिन, फार्मासिस्ट, हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।